इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैं आपको सब प्रमाण कह रहा हूँ, कितना भी विकारी जीव हो, भगवान के भजन में लग जाए वह निर्विकारी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, मुखमंडल की रौनक बदल जाएगी। विषयी व्यक्ति के मुख की आकृति, प्रकृति, प्रतिकृति, स्वरूप, भाव, हाव अलग दिखती है, अलग दिखती है, और साधक के श्रीमुख की भाव भंगिमा अलग दिखती है। कहना नहीं पड़ता है, दिखती है, मुख की कृति, प्रतिकृति, आकृति, स्वरूप स्वतः परिवर्तित हो जाए इसकी, साधक की। कई लोगों को आप देखते होंगे, कहीं बैठे रहेंगे जमाते मिलेंगे, कई लोग कहीं बैठे रहेंगे शांत मिलेंगे। जमाई प्रमाद है, आलस्य है, रोग नहीं है, तमस का प्रभाव, तामस का प्रभाव, व्याधि नहीं है, विकार का प्रभाव। अरे दाए स्वरूप बदल गया, मन के हाथ खोले, कानों में अमृतमय शब्द पड़े, श्रवण सुधा सम वचन सुन, पुलक प्रभु बोले मनु करि दंडवत प्रेम न बार बार अमृत कृपामृत मृतक जियामनी श्रवण सुधासम कान को अमृतमय कहते, कान को अमृतमय वचन कौन लगते हैं, जो सुनने में भी मधुर हो और परिणाम में भी मधुरता प्रदान करें। जो वचन आपको सुनने में मधुर न होंगे वह दूसरों को भी सुनने में मधुरता प्रदान नहीं करें। मैं सर्वकाल कथाओं में कहता हूं, जो वचन आप अपने प्रति सुन नहीं सकते हो, कृपया दूसरे के प्रति उसका प्रयोग न करें। कई लोग प्रयोग तो कर देते हैं लेकिन ये सावधानी बरतते हैं, देखा उनते न कहिया, क्यों भाई आप फंसेंगे क्या? हाँ, आपने कहा क्यों? व्यवहार। श्रवण सुधासम कानों को अमृत के बराबर आनंद प्रदान करने वाले वचन को सुनकर मनुजी महाराज की रोमावली खड़ी हो गई, पुलक प्रफुल्लित का पूरा बदन गनगना गया। जितना आप सात्विक होते जाएंगे ना उतनी आह्लादपूर्ण वाणी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं अनुभव, जितना सात्विक हो गए आप, प्रभु ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा।
महिमा मगुन इन्हीं भगवत गुण कान करते करते गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाती है। वाणी गदगद का अर्थ है कि जीव परम प्रसन्न हो जाता है। कहां से? अंदर से प्रसन्न हो जाता है। जीव प्रसन्न कब होता है? जीव भी प्रसन्न होता है क्या? जीव प्रसन्न होता है कब? प्रसन्न होता है जीव प्रसन्न है इसका पता कब चलता है? जब वो अपनी सहजा अवस्था में आ जाता है तो समझिए प्रसन्न हो गया। जीव जब तक सहजावस्था में नहीं आएगा तब तक प्रसन्नता का बोध नहीं होता, पता नहीं चलता। आज जब तक जीव बनावट में रहेगा सहजावस्था में नहीं आएगा, वो तो असहज हो जाएगा। और जब सहजावस्था में रहेगा तो प्रसन्न रहेगा। जैसे हम लोग कथा के बाद जब बैठते हैं कमरे में तो सहज अवस्था में, न ये पटका होता है, न वो डमरू होता है, न ये बनियाई होती है, अपनी वो पतली वाली झिरगी बनियाई, झिरगी वाली लुंगी, आनंद में बैठे सहज अवस्था, तब हम प्रसन्न अवस्था में। और जब आप अति प्रसन्न अवस्था में रहेंगे तो आपकी घड़ी की सुई चलेगी रुकेगी, आपको समय का पता नहीं। प्रसन्न अवस्था, भगवान प्रसन्न है, मनोजी भी प्रसन्न है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भक्त को कह देते हैं तेरी जो इच्छा है कर ले, तेरी जो इच्छा है मांग ले, बन जाए। कानों में अमृतमय वचन आए, मनुज महाराज साष्टांग कर गए। प्रणाम की भी बड़ी महिमा है, हो बड़ी गरिमा है। कोई हमको साष्टांग करे ना तो उसको उठाना चाहिए, सिर पर हाथ पधराना चाहिए, निज पर से प्रभु, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। किसी का साष्टांग उसकी हमारे प्रति श्रद्धा का दर्शन है। सामने वाले की मेरे प्रति, भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा, कई लोग भगवान के सामने जाते हैं भगवान हमरो रखवाली करी है, जैसे भगवान न हो गए रक्षा के कर्मचारी हो गए, वॉचमैन हो गए, ए प्रभु तोरे भरोसे आई ना। अरे आपकी श्रद्धा कैसी है? हमारी जैसी श्रद्धा होती है वैसा हमारा प्रणाम होता है। मनु जी महाराज भगवान के सिर चरणों में दंडवत कर गए। शब्द तो आए चारों ओर से, दंडवत नीचे क्यों कर गए? किस दिशा में कर गए? ईशान में कर गए। भगवान की यही दिशा है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईशान कोण भगवान का है, इसलिए मंदिर को लोग जिनके घर में स्थल हो इस दिशा में बनाते हैं, पूरब और उत्तर के कोण में। अथवा तो मनुजी दंडवत की दिशा का विचार नहीं किए कि न जाने किस दिशा में भगवान होंगे, दंडवत कर देता हूं। भगवान ने स्वीकार लिया, भक्त का बोध है। बोध बताया नहीं जा सकता, ये अनुभूति का विषय है। भगवान की कृपा गाई नहीं जा सकती, ये अनुभूति का विषय है, लिख नहीं सकते आप। आप देखिए
पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के पश्चात अनेक गीता मानस, भागवत मानस, भगवत गीता मानस, न जाने कितने मानस मेरे पास आए हैं। कृष्ण चरित मानस, शक्ति चरित मानस, मैं लगभग सब पढ़ता हूँ, तो ऐसा लगता है कि लोगों ने मानस से ही कुछ गठजोड़ करके अलग अलग पंक्तियां बना डाली है। सबके मानस प्रातः स्मरणी पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज के जैसे श्री राम चरित मानस जैसी उसकी लोक कीर्ति नहीं बन पाई, ग्रंथ बहुत बन गए। क्यों? श्री रामचरित मानस जी को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। किसने लिखा? बहुत भावन भगवान शिव जी ने लिखा है। शिव जी की सही है, पढ़िएगा मानस जी में, सत्यम शिवम सुंदरम, यह सत्य है, कल्याणमय है, इसलिए सुंदर है। सत्य है, जो सत्य होगा वो कल्याणमय होगा, और जो सत्य कल्याणमय है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए मानस घर घर पूजी जाती है। और कोई ग्रंथ किसी के यहां हो न हो, भैया श्री रामचरित मानस तो अवश्य होगी। अरे बाबा का वचन है, कौनो मंत्र याद हो न हो, ओम नमः शिवाय सबको याद है, हर हर महादेव सब बोलते हैं नमः शिवाय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।